हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम जानते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, द मून, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ कॉइन्स एंड थ्री ऑफ कप्स। तो एक जो बात मैंने आज आपको बताई थी कि अगर आपने इनसे एक ब्रेक ले लिया है या फिर अगर आप इनसे वॉक अवे हुए हो, एटलीस्ट अगर आप खामोश हो गए हो जितना आप इनकी तरफ एक अवेलेबिलिटी प्रेजेंट करते थे, अगर उसमें कमी आ गई है तो सबसे पहले तो ये जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल्स पर अटैच्ड होंगे और जब कभी भी आप ऐसा करते हो तो इन्हें बुरा लगता है। ये आपको ढूंढते हैं, एक स्ट्रगल इनके अंदर छिड़ जाता है कि मैं कैसे अपने पर्सन को वापस से कम बैक करवाऊँ। आपकी नाराज़गी ये हैंडल नहीं कर सकते। 3D फ्रंट पर आपकी अवेलेबिलिटी इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपकी प्रेजेंस इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब कभी भी आप इनसे नाराज़ हो जाते हो, आप जब भी इनसे वॉक अवे कर जाते हो तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर ये आपसे वॉक अवे कर रहे हैं, अगर ये कहीं पर बिजी हैं तो दैट इज़ फाइन, लेकिन आप जब भी वॉक अवे हो जाते हो तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी पूरी दुनिया मेस्ड अप हो गई है और ये कहीं पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे, इनके लाइफ में और कुछ नहीं बचता है, सिर्फ आप ही इनके लिए मैटर करते हो, ऐसी थॉट्स में ये चैनल हो जाते होंगे गाइस। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो इवन मैंने आज आपको एक बात बताई थी कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर इनके लिए करियर फ्रंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर इनके लाइफ में प्रायोरिटीज सेट है ऑलरेडी, अगर आप इनके लिए एक सेकेंड प्रायोरिटी हो या सेकेंड ऑप्शन हो, तो अभी इनको लगता है कि शायद इन्हें एक एक्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार यही हो रहा होगा, एक पैटर्न में चल रही हैं यहाँ पर चीज़ें। पैटर्न ऐसा होगा कि ऑन एंड ऑफ आपकी तरफ से रहता होगा, ये पर्सन हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते होंगे, लेकिन आप क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की वजह से प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, इसीलिए शायद आपके पर्सन को ये नज़र आ रहा है कि अभी यहाँ पर कोई एक्शन रखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज़ को रिसेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार यही हो रहा होगा। यहाँ पर आप वॉक अवे कर जाते हो, ये कहीं पर फोकस नहीं कर पाते और एक डिससेटिस्फैक्शन इनके अंदर भी है कि अब बस, अब और इंतज़ार नहीं होता, हमसे भी नहीं होता, तो ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और ये जहाँ पर भी जिस भी करियर फ्रंट पर बने हुए हैं, इनको वो ज़िंदगी भी खाली लगती है आपके बगैर। अगर आप इनके लाइफ में खुश हो, अगर आप हंसते मुस्कुराते हुए इन्हें नज़र आते हो तो ये भी खुश रहते हैं। जैसे ही आप सैड हो जाते हो, आप इनसे कमिटमेंट सीख कर रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने पर्सन से कमिटमेंट सीख कर रहे हैं जो कि आपको नहीं मिल रहा है और ये आपको वेट करवा रहे होंगे। और अगर इन्होंने आपको सर्टन टाइम दे दिया है या फिर एक एक इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनकी करियर, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर इन्होंने टाइम फ्रेम नहीं भी दिया है तो एटलीस्ट आपको आइडिया ज़रूर है कि ये अपने लाइफ में कहीं पर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और जब तक वो टास्क इनका कंप्लीट नहीं हो जाता, वो गोल इनका जब तक अचीव नहीं हो जाता, ये कोई भी एक्शन नहीं रख सकते, ये आपको ऑलरेडी पता होगा या फिर इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी बता दिया होगा। तो आपको पता है और इनको भी ये पता है कि आप यहाँ पर एक कमिटमेंट चाहते हो और इस कनेक्शन को एक कन्वेंशनल बॉन्ड की तरह प्रोसीड करना चाहते हो। मैंने आपको आज एक बात बताई थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि आप एक द हायरोफेंट वाली एनर्जीज में बने हुए हो, आपके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बहुत सारे रूल्स आपने बना दिए होंगे और उन रूल्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते, उन रिस्ट्रिक्शन से आप खुद को आज़ाद नहीं कर सकते। तो चीज़ें आपको जैसे मैनर में चाहिए वैसे ही आपको मिलनी चाहिए, अगर वैसे नहीं मिल रही हैं तो आप शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो।
और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जीज में चल रहे होते हैं, और जब कभी भी आप डिस्टर्ब हो जाते हो तो ये भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये कंटिन्यूस पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, और आपके पर्सन अभी ये सोच रहे हैं कि इस पैटर्न को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइफ में कोई मज़ा नहीं है। जब मेरे पर्सन ही खुश नहीं है तो ऐसी लाइफ का क्या ही मज़ा। तो ऐसा ये सोच भी पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है गाइस। आपके पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन होंगे, स्पिरिचुअलिटी इन्होंने भी टेस्ट की होगी, और ये भी बहुत सारी चीज़ों को यूनिवर्स के थ्रू डाउनलोड करते होंगे। और आपकी जब कभी भी वाइब बिगड़ जाती है, जब कभी भी आप परेशान हो जाते हो, अगर आपके साथ एक पर्जिंग चल रही होती है, आप एक पेन में होते हो, तो इस पर्सन को वो एहसास होता है, ठीक है ना। एक मिररिंग हम कह सकते हैं, एक दूसरे के बारे में 5D लेवल से वो सारी बातें डाउनलोड कर पाना, जो भी आप 3D लेवल पर नहीं बता पा रहे हो, वो सारी बातें आप लोग 5D पर टेलीपैथिक वेज में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर देते होंगे, वाइब्स के थ्रू, फ्रिक्वेंसीज के थ्रू। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो कि आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझते हैं कि आपका बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है। तो यही वजह है कि अपने लाइफ को एक ट्रांसफॉर्म वेज में चेंज करना चाहते हैं, आपको नहीं खोना चाहते। इनको लगता है कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक लगेगा, और जिस वजह से भी ये खामोश हैं, अगर ये बहुत सारी बातें आपसे नहीं कह पाते हैं, तो अब इनको लगता है कि वो खामोशी तोड़ देनी पड़ेगी, यहाँ पर एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप दोनों सिर्फ और सिर्फ एक लाइकिंग्स में हो, मान लो अगर ये रिश्ता फ्रेंडशिप पर बेस्ड है, ऑनलाइन कनेक्शन है, यहाँ पर बातें खुलकर नहीं हुई हैं, ये जो रिलेशनशिप या कनेक्शन है वो ऑफिशियल नहीं हुआ है, तो आपके पर्सन को लगता है कि इस चीज़ को ऑफिशियल करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक कंजर्वेटिव पर्सन होंगे, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, जैसे कि सोसाइटी नॉर्म्स कंडीशंस, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके लिए ट्रेडिशनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लोगों के बारे में, लाइक सोसाइटी के बारे में आप सोचते हो, सोसाइटी के चलते आप एक प्रॉपर सा रिलेशनशिप चाहते हो, तो आपके पर्सन इस बात को समझ रहे हैं। अगर ये कनेक्शन सीक्रेट कनेक्शन है, तो आपके पर्सन यही सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा करना होगा कि इस रिलेशनशिप को ऑफिशियली टर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मेरे पर्सन हैं, यानी कि आप वॉक अवे कर जाओगे। इनको ऐसा लगता है, ये डर है इनका, ये फियर है, और ऐसे फियर में हर दिन जीते हैं, और जब कभी भी आप वॉक अवे कर जाते हो तो वो फियर इनका बढ़ जाता है। इनके लिए सारी दुनिया खोखली लगने लगती है, क्योंकि आप इनके लिए द अल्टीमेट डिज़ायर हो, द अल्टीमेट विक्ट्री हो आप, और आपको खोकर ये कुछ और हासिल नहीं करना चाहते, ऐसी एनर्जी इनकी। तो ऑन दी अदर हैंड, आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हैंग मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में बने हुए। तो आपने यहाँ पर बहुत जगह एक्शन लेने से खुद को रोक कर रखा है, डिसीजन मेकिंग करने से खुद को रोक कर रखा है, आप एक जस्टिस चाहते हो यहाँ पर। जैसे कि हमने एग्जैक्टली आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, आप अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, वैल्यू देते हो, आप एक यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन हो, आप यूनिवर्स से हर चीज़ शायद डाउनलोड करते होंगे, एक स्पिरिचुअलिटी का वो अपने लेवल अचीव किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इवन स्पिरिचुअल गुरुज भी हो सकते हैं, मतलब इस हद तक की स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होगी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो आप, आपका जो भी रिलीजन है, या फिर इवन जो भी रिचुअल्स है, रिलीजियस रिचुअल्स, वो सारी चीज़ें आप बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हो। तो आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी ग्रो हो गई है कि आप हर चीज़ को रिलीजियसली तोड़ते हो, रिलीजियसली देखते हो। अगर वो आपके सोसाइटी के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, और एक ट्रेडिशन के हिसाब से अगर मैच कर रही है, तभी आप स्टेप इन करते हो। अगर कुछ भी वहाँ पर ख़िलाफ़ जा रहा है, तो आप सेक्रीफाइसिंग पर बिलीव करोगे, सेक्रीफाइसिंग को प्रेफर करोगे, लेकिन खुद को गलत जगह पर चैनल नहीं कर सकते आप।
तो आपके पर्सन का एक लाइट बिहेवियर जब भी कभी आप देखते हो, तो आपको हो सकता है खुद के लिए वो बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती होगी कि मुझे यहाँ पर इसी तरह का जस्टिस चाहिए, कि ये जो कनेक्शन है ये एक कंप्लीशन की तरफ ही पहुँचना चाहिए। मिडिल पाथ मुझे पसंद नहीं है, या फिर मिडिल वे या एक कैजुअल कनेक्शन मुझे पसंद नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता। मुझे अगर चाहिए तो यहाँ पर एक मैरिज बॉन्ड ही चाहिए जो कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पर बेस्ड होगा, और अगर यही मुझे मिल रहा है यहाँ से तो फिर ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो मैं ज़रूर यहाँ से ख़ुद को विड्रॉ करना चाहता हूँ या विड्रॉ करना चाहती हूँ। तो ये बहुत ही ऐसी थिंकिंग है ना, ये एक सर्टन टाइम के बाद ऐसी थॉट्स बिल्टअप होती हैं हर इंसान के अंदर। ये हर एक की एनर्जी नहीं हो सकती, इतना स्पिरिचुअल या डीप लेवल्स पर सोच पाना ये हर एक की बस की बात नहीं है। आपने हो सकता है इतने पेन्स देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपने इतने रिलेशनशिप फेलियर्स देखे होंगे, या फिर आपके अंदर वो सारे फियर्स हैं, बहुत कुछ कोलैप्स्ड हुआ है, बहुत सारे सपने आपके टूटे हैं, बहुत कुछ आपने सहा होगा, सेक्रीफाइस किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया होगा, और तब कहीं जाकर ये पर्सनालिटी आपके अंदर ग्रो हुई है। गाइज, क्वीन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द दैट पर्सन जो कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन है, इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा अवेकन है, इवन आपको कुछ साइंस या फिर कुछ ड्रीम्स ऐसे आते होंगे जो सच हो जाते हैं। मतलब आपको पहले से ही भनक होती है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और इस कनेक्शन को भी लेकर आपकी कोई ना कोई प्रेडिक्शन ज़रूर होगी। आपने बहुत कुछ पहले से ही समझ लिया होगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है, और यही वजह है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और एक कंट्रोल्ड मैनर में लेकर यहाँ पर बढ़ते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये कनेक्शन फ्रूवेशन की तरफ पहुँचेगा, लेकिन एफर्ट्स मुझे थोड़े से यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड ही रखने पड़ेंगे। अगर मैं हद से ज़्यादा यहाँ पर एक अवेलेबिलिटी रखूँगी या रखूँगा तो हर बार मेरा एडवांटेज लिया जाएगा, जैसा पिछली दफ़ा लिया गया था मेरे प्रीवियस कनेक्शंस में या रिलेशनशिप्स में। तो ये एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस या तो आपने लोगों को देखकर हासिल किया होगा एक, या फिर आपके खुद के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे जो बिटर एक्सपीरियंस हम कहेंगे, और आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस अपने लाइफ में दोबारा से करना नहीं चाहते। आपने खुद को बहुत ज़्यादा एक कैलकुलेटिव वेज में चैनल करके रखा है, आप डायरेक्शंस भी ऐसे ही चूज़ करते हो जहाँ पर आपको पहले से ही ऑलरेडी सब कुछ पता हो, तभी आप आगे बढ़ते हो। रिस्क नहीं लेना चाहते आप, लीप ऑफ फेथ्स पर आप विश्वास नहीं रखते, ऐसी पर्सनालिटी होंगी आप। जितने लोग भी मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा, लेकिन हाँ, आप डिज़ायर्स रखते हो, मैनिफेस्टेशंस रखते हो, ड्रीम्स देखते हो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज में आपने खुद को बहुत बांध कर रखा है, आप खुद को अलाउ नहीं करते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए, और यही वजह है कि हर बार आपने पेशेंस को चूज़ किया है। हैंगमैन टॉक्स अबाउट द पेशेंस हियर, आपने हमेशा इंतज़ार करना चूज़ किया है, आपने कभी गलत रास्ते को अपनाया नहीं, आप वेट करना पसंद करते हो रादर गलत रास्ते पर चलने से, कि बेटर होता है गाइस कि आप वेट ही कर लें, गलत रास्ते पर चलकर बाद में पछताने से तो बेहतर होता है कि हम इंतज़ार ही कर लें। तो आप ऐसे ही पर्सन हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइंस टॉक्स अबाउट कि यू आर द एस्टैब्लिश्ड पर्सन इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, करियर फ्रंट पर भी आप एस्टैब्लिश्ड पर्सन होंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आप एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन होंगे, एंड दूसरे अदर सिनेरियोज में भी जहाँ पर हीलिंग की बात आती है, आपने खुद पर इतना वर्क किया होगा, इनर वर्क हम कहेंगे, इनर वर्क्स भी आपने बहुत अच्छे से किए होंगे अपने आप पर। अभी आप एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो, आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई धोखा भी नहीं दे सकता, आपका कोई एडवांटेज भी नहीं उठा सकता, तो आप ऐसी पर्सनालिटी होंगे। आपने खुद को इस तरह से ग्रो किया है, कल्टिवेट किया है, तो जब आप ये पर्सनालिटी बन गए हो तो आप स्ट्रांग तो होंगे ही। आपको हर कोई ग्रांटेड आप नहीं ले सकता, आप चेंज हो गए हो, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, आप एक बहुत ही नई पर्सनालिटी हो, और आपको किसी भी वेज में हरा पाना बहुत मुश्किल है, सामने वाले के लिए भी मुश्किल है। तो शायद आप यही सोचते होंगे कि अगर ये पर्सन आपको मिस आउट कर जाते हैं तो इसमें आपका नुकसान नहीं है,
ये उस सामने वाले पर्सन का नुकसान है कि आप जैसी पर्सनालिटी को अगर ये खो देते हैं अपनी फुलिशनेस की वजह से या फिर किन्हीं और चीज़ों की वजह से, तो उन्हीं का नुकसान है, आपका तो नुकसान नहीं। तो आपने इस तरह से खुद को प्रेजेंट किया है इस पर्सन के सामने, या फिर अपनी पर्सनालिटी को आपने ऐसे ग्रो किया है, फाइन। अगर अब तक भी आपने ये सब नहीं किया है तो शायद कोशिश आप यही कर रहे हो कि मैं इस तरह से बन जाऊँ कि मेरा कोई एडवांटेज ना ले सके, तो ऐसी पर्सनालिटी आप बन रहे होंगे गाइस। तो ऑलराइट, बोथ द वेज इट कैन रेजोनेट गाइस। तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो कैन लीड, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द चैरियट एंड द फूल। तो यहाँ पर इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर वक्त लेंगे, लेकिन सही डिसीजन ये लेंगे, वही डिसीजन लेंगे जिसके लिए आपने इंतज़ार किया है। मतलब ऐसा ही कोई डिसीजन जो भी आप यहाँ पर डिज़ायर रख रहे हो, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर एक कन्वेंशनल बॉन्ड के लिए डिज़ायर रखते हैं, और आप जस्टिस पर विश्वास रखते हो। जो इंसान जस्टिस पर विश्वास रखता है वो पहले तो सबके साथ जस्टिस करेगा, है ना। तो जब आपने सबके साथ जस्टिस रखा है, जस्टिस किया है, तो आपके साथ भी जस्टिस ही होगा, आप जस्टिस ही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेस्टाइन है आप लोगों के लिए, जितने लोग भी इस एनर्जी में हैं, कि जितने लोगों ने भी बहुत कुछ सहा है और अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वेज में आप लाइफ में आगे बढ़ाते हो, यू नो, एक मैच्योरिटी है आपके अंदर, एक जस्टिस ओरिएंटेड पर्सनालिटी है आपके अंदर, एक इवन हीलर भी मैं कह सकती हूँ, एक इंट्यूटिव पर्सन कह सकती हूँ, साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर होंगी, आप बहुत सारी चीज़ों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से पता करते होंगे, इंट्यूशंस आते हैं आपको। तो ऐसी पर्सनालिटी जब आप बन गए हो तो आपके साथ भी बहुत कुछ इसी वेज में टर्न होगा, जहाँ पर कॉस्मिक लेवल्स पर आपके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ डेस्टाइन है, बहुत कुछ प्लान किया गया है। देर इज़ अ प्लान फ्रॉम द यूनिवर्स, आप लोगों के लिए यूनिवर्स इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, और कुछ बहुत ही एक ब्यूटिफुल सा फेज आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आप एक विक्टोरियस पर्सन की तरह यहाँ पर शाइन होने वाले हो, बीइंग दैट चैरियट, और आप वही अट्रैक्ट करने वाले हो गाइस जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, जिसके लिए भी कभी आपने डिज़ायर किया था। तो द फूल टॉक्स अबाउट कि इवेंचुअली आपके सारे बर्डन्स, जितना भी अभी आप कैरी करके चल रहे हो, आज हमने एक एनर्जी देखी थी वुंडेडनेस की, तो जितने भी वुंड्स थे आपके, वहाँ से आप हील होकर सारे बैगेजेस को रिलीज करते हुए ऐसी ही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सर्विंग है। मतलब आपके हाईएस्ट गुड के लिए सबसे ज़्यादा सर्विंग अगर कोई डायरेक्शन है तो यही होगी जो भी आप अभी अट्रैक्ट कर रहे हो। इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए कुछ और नहीं हो सकेगा, इससे बेटर पर्सन आपके लिए कोई और नहीं हो सकेंगे, यही वो पर्सन होंगे बहुत लोगों के लिए, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइस। और इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ में अगर अट्रैक्ट किया है तो आप सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। बहुत लोगों के लिए अगर ये ट्विन फ्लेम भी हैं तो ये पर्सन इवेंचुअली आपके होने वाले हैं, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी एंगल ना हो तो। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं या ऑलरेडी कन्वेंशनल बॉन्ड में है तो तब ये पॉसिबल नहीं है गाइस, ये शिफ्ट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर यहाँ पर सेपरेशंस हो चुकी हैं, इवन डाइवोर्स वगैरह भी अगर यहाँ पर हो चुका है, आप भी सिंगल हैं, ये भी सिंगल होने वाले हैं या हो चुके हैं, या आप भी सिंगल होने वाले हो या हो चुके हो, तो तब ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। सिंगल होने के बाद स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी बात होती है, कि अगर आप अभी सिंगल हो और आप स्पिरिचुअलिटी को इस तरह से फॉलो कर रहे हो कि आपने सारी चीज़ें यूनिवर्स पर सरेंडर कर दी, अभी आप जो भी चाह रहे हो वो भगवान की मर्जी के हिसाब से चाह रहे हो, तो बहुत अच्छी एनर्जी में हो आप, अभी बहुत अच्छे पड़ाव पर हो अभी आप लाइफ के, या स्पिरिचुअलिटी के बहुत अच्छे लेवल पर आप जाकर पहुंचे हो, और तब आप जो भी चाहोगे यूनिवर्स आपके लिए ओपन हो जाएगा और वो प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ शॉवर की जाएगी जिसके लिए भी आप अवेटेड थे। तो वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस, जिन सारी चीज़ों को आपने कभी डिज़ायर किया था, जिन सारी चीज़ों को आपने कभी मैनिफेस्ट किया था। ऑलराइट,
तो इस पर्सन के साथ आप जो भी चाह रहे हो वही आप अट्रैक्ट करने वाले हो, तो अपनी मैनिफेस्टेशंस पर बने रहिए, अपने सेल्फ वर्थ और वैल्यू को मत भूलिएगा, इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी पर बने रहिए गाइस। एनर्जी थीम फॉर टुडे ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और जब आप कंबाइन करोगे उस एनर्जी को इस एनर्जी के साथ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।